आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया नाश्ता लेकर के आए हैं। इस नाश्ते को, इस रेसिपी को अगर आप बना करके खाएंगे और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करेंगे तो यकीन मानिए ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा और इसको आप ये बार बार ये डिमांड होगी कि आपको लिए ये बनाया जाए और आप इसको बना बना करके आपको इतना मज़ा आएगा कि हम बता नहीं सकते। नमस्कार, प्रधान हेल्दी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही बेहतरीन डिश लेकर के आए हैं। ये आपका एक परफेक्ट मील भी है, ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है। देखिए कितना बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक कटोरी बेसन को लिया हुआ है। आप बेसन चाहे जो ले सकते हैं, बारीक या मोटा, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब हम क्या करेंगे कि इस बेसन में हमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक को मिलाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने थोड़े से नमक को मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा लाल मिर्च को ऐड करना है। अब आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लाल मिर्च को मिला दीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने लाल मिर्च को मिला दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर को नहीं मिलाया है। आप हम यहाँ पे अब बेकिंग पाउडर मिला करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को डालेंगे। यहाँ अभी हमने थोड़ा सा पानी लिया है और उसको हमने इस बोल में डाल दिया है। आपको एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, आपको स्लो स्लो करके और धीरे धीरे करके आपको पानी मिलाना है। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जो आपका बैटर है ये कितने अच्छे से बन गया है। ये बैटर आपका तैयार हो गया है। मुझे यहाँ पे थोड़ा नमक कम लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप अब इसको अच्छी तरह से फेंटिए ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। आपका जो ये बैटर है वो बन करके तैयार है। और जब आपका बैटर बन जाए फिर आप क्या करिएगा कि इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। आपको इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हमने दो छोटी शिमला मिर्च को चॉप्ड कर लिया है और थोड़े से हमने टमाटर लिए हैं। एक टमाटर को हमने चॉप्ड कर लिया है और एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज को चॉप्ड कर लिया है। इन सारी चीज़ों को हमने मिला दिया है। अब यहाँ पे हम वेज मेन्यूज का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेयोनीज की जगह आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो बैटर है 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बैटर को अच्छी तरह से फेंट लीजिए ताकि जो कोई लम्स रह गया हो वो अच्छे से हो जाए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी अप्लाई किया है। हमने ये जो फ्लेम है उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने बैटर बनाया है तवे पे अब हम फैला देंगे। आपको वैसे ही पूरा प्रोसेस करना है जैसे कि आप डोसा फैलाते हैं। आपको सेम एग्जैक्टली उसी तरह से आपको ये फैलाना है। यहाँ पे देख लीजिए ये एकदम फैल चुका हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा कि घर का मक्खन हो या फिर मार्केट का मक्खन आप इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन को अवॉइड करके आप यहाँ पे देसी घी को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप क्या कह दीजिएगा कि हमने यहाँ पे दोनों चीज़ मिक्स करके लगाया है। हमने ऊपर से अप्लाई किया है मक्खन को और यहाँ पे हमने कॉर्नर में दिया है देसी घी। और आप यहाँ पे देख लीजिए ये बिल्कुल बन रहा है, नीचे से सिक रहा है। और जो हमने वेजी मैंने इसकी जो तैयार की थी इसकी हम स्टफिंग इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे। इसको हमने थोड़ा फ्लैट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पर हम एक ब्रेड रखेंगे। आपको इस पर एक ब्रेड रखना है और फिर इसको सिर्फ
दो मिनट के लिए रखना है। फिर इसके ऊपर आप ग्रीन चिली अप्लाई करिए। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बना के खाइए। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को इससे ज़रूर शेयर करिए। ये देख लीजिए आप ये कितनी इजीली से ये छूट रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि देखिए ये छूट गया है। अब आपको एक कॉर्नर को इस पे ब्रेड के ऊपर रखना है, फिर ये जो दूसरा कॉर्नर है फिर आपको इससे अच्छे से पहले इसको फ्लैट कर दीजिए, फिर नीचे से आप इसको फ्लैट कर दीजिए, मोड़ दीजिए, फिर आप ऊपर वाली से मोड़ दीजिए, और जो आपका ये चौथा है, चौथा भी आप इसको मोड़ के रख दीजिए। आपको ये डिश बहुत ही बढ़िया लगेगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए। ये देखिए जो आपकी ये जो क्रिस्पी नाश्ता है कह लीजिए, एक यूनिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये बनकर के तैयार है, हमने थोड़ा सा घी ऊपर से लगा दिया है, आप ये सेम प्रोसेस करिए और एकदम बिंदास होकर के इस रेसिपी का लुत्फ़ उठाइए। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। यहाँ पे जो आपकी रेसिपी है वो एकदम बनकर के तैयार है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये सिक चुकी है, बहुत बढ़िया से ये हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो आपका जो कॉर्नर से निकल रहा है इसमें कोई वो नहीं है, आप इसको कट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये दोनों से बेनिफिशियल है, दोनों तरफ से ये खाई जा सकती है, आप इसको ज़रूर बनाइए। ये देखिए अब यहाँ पे हम इसको कट करके दिखा रहे हैं कि ये कितना बढ़िया, कितना लजीज लग रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से ये कट भी हो गया है और कितना बढ़िया लग रहा है। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं और क्रीम भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है। अब हम आपको दूसरा एक और भी रेसिपी बना कर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सेम वैसे प्रोसेस करना है जैसे कि हमने अभी किया है, और यहाँ पे आप इसको डोसे की तरह इसको फैला दीजिए, फिर इसको थोड़ा सा वेट करिए नीचे से सिक जाए, फिर इस पे थोड़ा सा आप घी को लगाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अच्छे से घी को लगा दीजिए, बढ़िया से घी को लगाइए अच्छे से, फिर ताकि वो नीचे से क्रिस्प हो जाए और बहुत ही खाने में क्रिस्पी लगे। यहाँ पे देखिए ये नीचे से एकदम सिक रहा है। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे मक्खन लगाइए। मेरे तो मुँह में आ रहा है पानी, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अब आप क्या करिएगा कि इसके ऊपर ग्रीन जो चटनी बनाई है आप यहाँ पे ये इस चटनी को पूरा फैला दीजिए, जैसे डोसे पे लगाते हैं वैसे आपको करना है। फिर आपको इसको अच्छी तरह से पूरा फैला ले लेना है, आप अच्छे से इसको फैलाइए। और फिर आप क्या करिएगा कि इस पे हमने जो वेजी वाला मेयोनीज़ का जो बैटर बनाया था इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे और अच्छे से इसको हम फैला देंगे। यहाँ पे देख लीजिए हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। फिर हमने एक ब्रेड रखी है और ब्रेड को इस पे हम टमाटो सॉस को लगाएंगे। यहाँ पे आपको टमाटो सॉस लगाना है, अगर आप चाहें तो ये टमाटो सॉस अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो बच्चे के लिए बना दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसमें जो ग्रीन चिली हमने पहले लगाई थी आप इसको यहाँ पे ग्रीन चिली जो चटनी बनाई थी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह से आपको ये बनाना सिखा दिया है, आप अपने बच्चों से जैसा आपका मन करे आप उनके साथ शेयर करिए। यहाँ पे देखिए इसका जो पार्सल है वो बन करके तैयार है, कितना बढ़िया, कितना क्रिस्पी लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और हमारे फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करिए। हम आपके फीडबैक का, आपके कमेंट का, आप
के सब्सक्राइब करने का, आपका लाइक करने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए हुए। ये देखिए आपका जो नाश्ता है, आप इसको लंच में, डिनर में कभी भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।